कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। ट्रेनी डॉक्टर की सहयोगी का चौंकाने वाला दावा। अस्पताल प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की कहानी इस वक्त पूरे देश के सुर्खियों में है। 14 और 15 अगस्त की रात को हुए बवाल के बाद से इस केस से जुड़ी कहानी और उलझ गई है। हालांकि कोलकाता की सड़कों पर बवाल करने वालों और अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस केस से जुड़ी जिस सबूत मिटाने की कहानी का जिक्र किया जा रहा है वो हकीकत में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि जिस ट्रेनी डॉक्टर की 9 अगस्त को बर्बरता के साथ हत्या की गई, उसके जूनियर सहयोगी ने आरजी कर अस्पताल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। केस आप लोग देखिए, ये है अरुणा शानबाग का केस, एक ब्रूटल रेप केस था। उसी अस्पताल में ये उनकी रिकॉर्ड रह चुकी है। ये क्रिमिनल मतलब ये सारी चीजें करने में वो कॉलेज मतलब माहिर रह चुका है। रेप और हत्याकांड से जुड़ी कहानी भले ही संजय रॉय नाम के आरोपी के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हालात और वारदात का तरीका यही बताता है कि इस केस के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए, क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंतर्गत उन्होंने तोड़ फोड़ की कुछ। जाहिर है कोलकाता से उठी आक्रोश की आग फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि देश भर में न सिर्फ इस जघन्य वारदात को लेकर गुस्सा है बल्कि लगातार पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग भी तेज हो रही है। जब कोलकाता कांड की सीबीआई जांच शुरू हुई थी तो देश को लगा कि अब इस रेप मर्डर केस को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सीबीआई जांच शुरू होते ही कल कोलकाता के उस अस्पताल में जबरदस्त हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ हुई, जिसमें डॉक्टर बेटी को रेप के बाद क्रूरता से कत्ल कर दिया गया था। इंसाफ मांगने के नाम पर अचानक हजारों की भीड़ टूटी और अस्पताल के कैंपस में घुसकर सब तहस नहस कर डाला। बड़ा सवाल है कि निर्भया को इंसाफ को लेकर जो आंदोलन पिछले 5 दिन तक हिंसक नहीं हुआ था, उसमें सीबीआई जांच शुरू होते ही उपद्रवी कहां से घुस गए? क्या उपद्रव की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश हुई है? आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5,000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। ममता के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद बंगाल में बांग्लादेश जैसी तस्वीर देखने को मिल गई। लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स खुद को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक रेजिडेंट डॉक्टर बताते हुए क्या कह रहा है आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेंपर किया जाए, और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था।
और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई, जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के सबूत आखिर किसे डरा रहे हैं? सीबीआई जांच शुरू होते ही हिंसा क्यों हुई? इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। फांसी हो दोषी एवं आगामी रविवार मध्य सीबीआई के फांसी व्यवस्था करते हैं एवं पूरी तदंत उद्घाटित करते हैं, जो हमारे कोलकाता पुलिस तदंत 90% कर दिए। इधर ममता की बेस्ट पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर अस्पताल में बवाल काटने वाले उपद्रवियों को चिन्हित किया गया। इस भीड़ में लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, लेकिन कल रात में क्या करने की तैयारी थी और क्या कर दिया गया, वो समझना भी बेहद जरूरी है। कल यानी 14-15 अगस्त की आधी रात को कोलकाता की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने का प्लान रिमझिम सिन्हा ने बनाया था। रिमझिम ने इसे द नाइट इज आवर का नाम दिया था। थीम ये थी कि भारत को 14-15 अगस्त की आधी रात को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के 77 बरस बाद भी महिलाओं को दरिंदों से आजादी नहीं मिली है। रिमझिम सिन्हा इस कार्यक्रम की संयोजक थी, जो समाज शास्त्र की रिसर्चर है और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा है। रिमझिम ने यही पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था और महिलाओं से आधी रात प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। इस प्रदर्शन में छात्राओं के साथ उनके माँ बाप भी शामिल हुए, लेकिन पोस्टर देखते ही किसी और ने भी प्लानिंग बना ली, जिसकी भनक न रिमझिम को लगी न दुनिया की बेस्ट पुलिस को। ममता बनर्जी भले ही अपनी पुलिस की पीठ थपथपाते थक नहीं रही हूँ, लेकिन रक्त रंजित राजनीति वाले बंगाल की राजनीति में कोलकाता में 8 अगस्त की रात से 14 अगस्त की रात तक जो कुछ भी हुआ, उसने बंगाल में कानून व्यवस्था की बदरंग तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी है।